यू आर वेलकम। आज हम अपना सेकंड बुक पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज योर बुक, ठीक है ना। सिंस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग इन हिंदी, तो मैं आपको हिंदी पहले दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इंग्लिश का नहीं है, वी डू हैव द इंग्लिश ऑल्सो, ठीक है ना। ये बुक है, आप सभी के पास अगर होनी चाहिए, नहीं है तो भी आप जल्दी से ले लीजिए, बिकॉज वी हैव स्टार्ट विद दिस राइट। और बुक के बगैर काम, हम बगैर हथियार के लड़ाई नहीं लड़ सकते। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा अधिकार एक अच्छा टीचर और साथ में बुक का होना, दोनों बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम बात करेंगे और पॉलिटिकल साइंस में अपनी दूसरी बुक को ले रहे हैं, और पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत ये जो टॉपिक है, अपने आप में मैं कई बार चर्चा करता हूँ आपके साथ, बहुत मेहनत मांगता है। अगर आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे तो फिर आप आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट यू नीड टू गिव मोर अटेंशन, यू नीड टू गिव मोर फोकस ड्यूरिंग योर इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इसका एक कह सकते हो कि जो लास्ट हमने जो इससे पहले वाला जो टॉपिक लिया था वो इसका एक प्रारंभ मान सकते हैं। राजनीतिक दर्शन के बारे में मैंने आपसे बात की थी, और भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रीएम्बल के बारे में भी मैंने आपसे बात की थी। दिस इज द प्रीएम्बल ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रीएम्बल को आप हर एक मीनिंग शब्द का मीनिंग आप बहुत अच्छे से आपको जानना चाहिए, राइट। अब बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आज हम राजनीतिक सिद्धांत क्या है सिर्फ इतना ही जानेंगे, उसके बाद बुक तो पढ़ ही लेंगे। अगर आप इस बुक का अर्थ ही नहीं समझेंगे कि व्हाट इज द पॉलिटिकल थ्योरी, तो मेरे ख्याल में आप बुक को पढ़ते रहेंगे, रटते रहेंगे, याद करते रहेंगे, अल्टीमेटली कुछ हासिल नहीं होगा कितना भी कर लो। इस बुक के बेसिक फंडामेंटल्स, पहला चैप्टर ही आप सोच सकते हो बेसिक है, अगर यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आप एकदम शताब्दी एक्सप्रेस या तेजस की जैसे दौड़ लगाने वाले हो। अगर फंडामेंटल्स में कहीं प्रॉब्लम आ गई तो फिर मुश्किल है, और फंडामेंटल में आपके क्लियर कर दूंगा। ये तो कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई समझने की बात नहीं है, सिर्फ इसको याद करना है, फिर उसके बाद में नीचे बेसिक फंडामेंटल्स हैं, राइट। तो पहले तो आप एक राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जान लीजिए क्या है, जो बुक जो कह रहे हैं व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, दो शब्दों से मिलकर बना है पॉलिटिकल एंड द थ्योरी। तो पॉलिटिकल के बारे में तो आप पहले से काफी जानते हो, थ्योरी का समझ लीजिए। राजनीतिक सिद्धांत के लिए अंग्रेजी शब्द थ्योरी की उत्पत्ति यूनानी शब्द थ्योरिया से हुई है, ठीक है ना। जो ये थ्योरी शब्द है ये यूनानी शब्द है थ्योरिया, थ्योरिया इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। यहां से हमने वी हैव टेकन दिस वर्ड, और जिसका मतलब है समझने की विशिष्ट दृष्टिकोण, समझ गया कि किसी चीज को आप किस तरह से अच्छा समझ सकते हो। थ्योरिया का मतलब वही है, समझने का विशिष्ट दृष्टिकोण, राइट। यह वही समझ है जिसे किसी घटनाक्रम को आप लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, किसी भी आप देखे, अगर आप किसी भी बात को, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, महात्मा गांधी को आप देशभक्त कहना चाहते हो, यू शुड हैव द लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है ना। कि अगर आप महात्मा गांधी को बोलते हो कि महात्मा गांधी हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स गेटिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इनका योगदान है, तो कोई बात नहीं, आप इसके लिए 1 2 3 10 पॉइंट बताए जा सकते हैं। इफ यू डू हैव द लॉजिक तो आप सही हो सकते हैं। अगर आप कहते हो कि देश की आजादी या देश का जो दो हिस्से हुए उसके लिए महात्मा गांधी जिम्मेवार है,
तो ये भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक हो सकता है, बशर्ते कि आपके पास इसके लॉजिक हो कहने का। मैं बात कर रहा हूँ किस संदर्भ में बात कर रहा हूँ, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हो तो लॉजिकली कितने लॉजिकली अपने शब्दों को रखते हो, ठीक है ना। आप कुछ भी आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी प्रजातंत्र एक अच्छी शासन प्रणाली नहीं है, बस अगर आप कहते हो तो उसके पीछे आपके लॉजिक होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहां पर क्या होता है, किसी भी घटनाक्रम का तार्किक विवेचन द्वारा स्पष्ट किया जाता है। जो पॉलिटिकल थ्योरी में आप कुछ भी कहना चाहते हो, आप ये भी कह सकते हो कि राज्य की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे भारत देश है, भारत देश से पहले तो कभी ना कभी तो एक समाज के रूप में रह रहा था, कोई सरकार नहीं थी, ठीक है ना। यहाँ पर अलग अलग प्रांत नहीं थे, ना पुलिस होती थी, राइट। तो तब भी तो इंसान जिंदा था। तो अगर आज कोई ये कहता है कि वो समाज हमारा वो समाज अच्छा था, अगर उसके कहने के पीछे उसके पास में लॉजिक है, वो इस बात को समझा सकता है किसी को, तो वो भी एक पॉलिटिकल विचारक हो गया, एक सिद्धांत हो गया, ठीक है ना। पॉलिटिकल थ्योरी है वो भी, और आगे हम बात करेंगे तो आप समझ पाओगे। और आज के दिन सरकार है तो आप इसकी बेहतरी के कारण गिना सकते हो कि सरकार के होने से क्या क्या फायदे हैं। जब सरकार नहीं थी तो किस तरह का शासन था और उसके क्या फायदे थे, वो भी आप बता सकते हैं। बात समझने की कोशिश कीजिए। तो इसके भी दो ट्रेडिशनल एक दृष्टिकोण है। राजनीति शास्त्र को चार अर्थों में परिभाषित करता है, ठीक है ना। जो आपके जो पॉलिटिकल थ्योरी के ट्रेडिशनल परंपरागत दृष्टिकोण की बात करें तो सर इसको चार भागों में परिभाषित करता है राजनीति शास्त्र को। एक तो ये पॉलिटिकल थ्योरी सरकार के अध्ययन के रूप में, कि भाई हम इसमें सरकार के बारे में जानते हैं, सरकार के बारे में स्टडी करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, ठीक है ना। ये परंपरागत दृष्टिकोण की बात करें, पुराने दृष्टिकोण। दूसरा कि पॉलिटिकल थ्योरी में तो हम राज्य के बारे में बात करते हैं, नेशन के बारे में बात करते हैं। और तीसरा है कि नहीं, हम दोनों को मिला के बात करते हैं, राज्य और सरकार दोनों होनी चाहिए, ठीक है ना। पॉलिटिकल थ्योरी का जो दृष्टिकोण है, पॉइंट ऑफ व्यू है देखने के, जो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये कहता है कि हम पॉलिटिकल विचारक राज्य सरकार को लेके बात करते हैं, होली गवर्नमेंट से लेके कंसीडर करते हैं। एक दूसरा दृष्टिकोण वो बोलता है राज्य और सरकार दोनों का, राज्य के बारे में बात करते हैं। और थर्ड जो दृष्टिकोण है वो बोलता है कि नहीं, हम राज्य या सरकार के बारे में, दोनों के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। और एक फिर फोर्थ जो ट्रेडिशनल दृष्टिकोण है वो कहता है कि राज्य और सरकार का इतना रिलीवेंस नहीं है जब तक कि ह्यूमन बीइंग नहीं है, व्यक्ति के बारे में चर्चा नहीं हो। यानी कि चार व्यू हो गए, एक तो राज्य के बारे में बात करता है, दूसरा राज्य और सरकार के बारे में बात करता है, तीसरा राज्य सरकार और व्यक्ति के बारे में बात करता है, ठीक है ना, समझ गए। ये हो गया आपके। अब राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ एवं प्रकृति, यहां से आपको समझने की जरूरत है, राइट। तो मैं आपका 2 सेकंड के लिए आपका वीडियो का जो कैमरा है नीचे की तरफ कर देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब इसमें हम ये जानने वाले हैं बेटा कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ एवं प्रकृति, मीनिंग इन द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। चलो हम इसको एक तरफ ही रख देते हैं, राजनीतिक सिद्धांत क्या है उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है ना। बाद में जानेंगे, अपने आप जान जाओगे राजनीतिक सिद्धांत क्या है। पहले हम ये जानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले हमें ये जानना चाहिए। तो इसको जानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बैक में ले चलता हूं, थोड़ा सा। जब हमने चर्चा की थी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बात की थी राजनीतिक दर्शन की, इससे पहले वाला जो वीडियो गया उसमें हमने बात की थी राजनीतिक दर्शन की,
कि राजनीतिक दर्शन की जब बात करते करते हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी कि किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है, तब इससे हम क्लियर होने वाला है कि राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, राज्य के अंदर आप मुख्य रूप से मांगिए किसी भी देश के अंदर दो चीजों का होना आवश्यक होता है, राज्य, ठीक है ना, एक तरफ तो राज्य हो गया, स्टेट हो गया, दूसरी तरफ उस स्टेट में रहने वाले व्यक्ति हो गए, ठीक है ना। किसी भी देश के अंदर एक तरफ तो राज्य है और एक तरफ व्यक्ति है, उस देश की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, नागरिक है। अब इनके दोनों के बीच में, राज्य और व्यक्ति के बीच में अगर कोई रिलेशन है, उसको, उस रिलेशन को कौन बना के रखता है, उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना के रखता है। क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है, संविधान की आवश्यकता क्यों है। देखो जो व्यक्ति है, व्यक्ति क्या है, यह स्वतंत्रता का प्रतीक है, राइट। कोई भी इंडिविजुअल है जिसको जितनी ज्यादा स्वतंत्रता दी जाए उतना खुश रहेगा। कोई बंधन में रहना पसंद करता है, अगर आपको हम किसी दिन अब्सेंट होते हैं क्लास से और ना पूछे तो आप क्या करोगे, उसके बाद नेक्स्ट वाली क्लास में भी अब्सेंट हो गया, अरे ठीक है चलता है, कौन पूछने वाला है। तो इट इज द ह्यूमन बींग टेंडेंसी कि जितनी स्वतंत्रता दी जाए उससे ज्यादा और स्वतंत्रता की, लिबर्टी की डिमांड करता है इंसान, ठीक है ना। व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रतीक है, व्यक्ति को स्वतंत्रता पसंद है, और राज्य, राज्य मीन्स आप मोटे अर्थों में समझिए देश की सरकार, देश की सरकार किस चीज का प्रतीक है, वो शक्ति के प्रतीक है, ठीक है ना। यानी कि देश की सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहती है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। किसके ऊपर शक्ति का प्रयोग करेगी, पत्थरों पर करेगी, जानवरों के ऊपर करेगी, नहीं, किसके ऊपर करेगी, इंसान के ऊपर, ह्यूमन बीइंग के ऊपर करेगी। लेकिन अब इन दोनों के बीच में राज्य शक्ति का प्रतीक है, शक्ति मैक्सिमम अपनी शक्ति का पावर का इस्तेमाल करना चाहता है, और व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, तो इनके बीच में बैलेंस, एक दोनों के बीच में एक संतुलन बनाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। और मोटे तौर पर आप यहीं पर राजनीतिक सिद्धांत को समझ जाइए, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए किस तरह का, कौन सी परिस्थितियों में किस तरह का संविधान चाहिए, हर देश की अपनी अपनी आवश्यकता है, ठीक है ना। या आज से 50 ईयर्स या 100 ईयर्स पहले कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और तरह की, ज्यादा लिबर्टी रही होगी। तो ये संविधान को कौन लिखते हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स, राजनीतिक विचारक इस संविधान को निर्माण करते हैं। समझ गए, यहां तक क्लियर हो गया। व्यक्ति, इंसान, ह्यूमन बीइंग लिबर्टी का प्रतीक है, उसको लिबर्टी चाहिए, आजादी चाहिए। राज्य शक्ति का प्रतीक है, राज्य अपनी शक्ति का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना कर सके, वो कॉन्स्टिट्यूशन निर्धारित कर देगा कि नो, आपकी एक लिमिट है। हमने बात की थी ना जुडिशियल रिव्यू के बारे में, न्यायपालिका ने वहां पे बोल दिया कि आप कहां तक जा सकते हो। न्यायपालिका ने क्यों लक्ष्मण रेखा खींची, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का बेस लेकर, फंडामेंटल राइट्स का जो एक बना हुआ है उस रेखा से बाहर ना जाए, ठीक है ना संसद। तो राज्य की शक्ति को नियंत्रित करता है, और व्यक्ति की लिबर्टी भी कितनी दी जाए, इंसान को कितनी स्वतंत्रता दी जाए, इसका भी कौन करता है, संविधान ही तो इस बात को डिसाइड करता है कि इंसान की कितनी लिबर्टी है, ठीक है ना, कितने अधिकार है, कहां तक आप किसी को जितनी आजादी दोगे, स्वतंत्रता बोलने की स्वतंत्रता, अगर उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये जिन्होंने मेरे पहले रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वाला पढ़ा हुआ है फंडामेंटल राइट्स की बात करते हुए, वो जान गए होंगे। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मतलब आपकी स्वतंत्रता के ऊपर भी किसी एक हद पर जाकर एक लक्ष्मण रेखा खींचे जानी जरूरी है। मेरी स्वतंत्रता वहां तक है जहां जाकर तब तक मैं स्वतंत्र हूं कुछ भी काम करने के लिए, बोलने के लिए,
तब तक जब तक कि दूसरे को उससे कोई डिस्टरबेंस ना हो, राइट। जब तक दूसरे के कोई दूसरे के अधिकार क्षेत्र के अंदर उनके अधिकारों को वायलेशन नहीं होता, तब तक मैं स्वतंत्र हूं, चाहे बोलने की स्वतंत्रता हो, चाहे घूमने की स्वतंत्रता हो, रहने की स्वतंत्रता हो, हर तरह की। ये बात क्लियर होगी आपको कि वो कौन डिसाइड करेगा, देश का कॉन्स्टिट्यूशन। ये संतुलन बनाता है, ठीक है ना। ये दोनों के बीच में, राज्य और व्यक्ति के बीच में किस तरह के संबंध हो, कैसे रिलेशन हो, इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पार्टिकुलर कंट्री, राइट। अब हम बात करते हैं संतुलन स्थापित करने का आधार क्या होगा। संतुलन तो हमने बात कर दी कि संतुलन स्थापित कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसका आधार क्या होगा। व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व देता है भाई, ये वाला जो है यहां स्वतंत्रता को इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो इसके लिए अलग अलग थ्योरी की बात करेंगे। अभी मैं समझाने वाला हूं, चिंता की कोई बात नहीं है। अलग अलग थ्योरी होती है जो निर्धारित करती है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता कहां तक दी जाए, ठीक है ना। अलग अलग थिंकर्स की अलग अलग थ्योरी होगी और अलग अलग थिंकर्स बताएंगे कि व्यक्ति को कहां तक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। अगर सिंपल शब्दों में कहें, राजनीतिक सिद्धांत इस प्रश्न का समाधान करने का प्रयास करता है कि व्यक्ति को कहां तक स्वतंत्रता दी जाए और राज्य को कहां तक शक्ति दी जाए, ठीक है ना। ये आपके देश का, किसी भी देश का जो राजनीतिक सिद्धांत, जो कहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ही इस बात की तय करता है कि व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता की आवश्यकता है और आप राज्य को कहां तक की शक्ति दी जाए। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर यहां तक आपको क्लियर हो गया कि व्यक्ति को कहां तक स्वतंत्रता दी जाए और राज्य को कितनी शक्ति दी जाए, ये राजनीतिक विचारक, राजनीतिक सिद्धांत डिसाइड करते हैं। और अनेक तरह की विचारधाराएं होती है, अलग तरह की पॉलिटिकल थ्योरी होती है, सभी पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में आप बिल्कुल क्लियर समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो अनेक विचारधाराएं पॉलिटिकल राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। देखो, हम बात करते हैं जहां पर सरकार का कम से कम इन्वॉल्वमेंट हो, राज्य का कम से कम इन्वॉल्वमेंट हो, वहां से बात शुरू करेंगे। व्यक्ति के पास में बहुत ज्यादा स्वतंत्रता हो, वहां से बात की शुरुआत होगी। और बात खत्म कहां पे करने वाले हैं, यानी जहां पर राज्य का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा आ जाएगा और व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे कम हो जाएगी। यानी कि शुरुआत एक छोर पे, एक किनारे पे, वो वाला सिद्धांत सबसे पहले बात करेंगे जहां पे व्यक्ति की स्वतंत्रता को वो राजनीतिक विचारक, वो पॉलिटिकल थिंकर्स जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं उसके बारे में बात करेंगे। राज्य को कम से कम महत्व देते हैं, इवन यहां तक कहते हैं कि राज्य की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो सबसे पहले पॉलिटिकल सिद्धांत एक किनारे पे, जो राज्य की आवश्यकता ही नहीं मानते, बोले राज्य की जरूरत ही नहीं है इंसान को, और व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता की बात करते हैं, राइट। और उसके दूसरे अपोजिट साइड में जब बिल्कुल उसके लास्ट चरण में चलेंगे तो दूसरी तरफ होगा, वो राज्य को ज्यादा देते हैं, राज्य को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम से कम रखना चाहते हैं। लेकिन हम इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस चलेंगे, सबसे पहले बात करेंगे जहां पर व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, दैट इज एनार्कियल टाइप ऑफ सरकार, जहां पे सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं होती, उसको, इस सिद्धांत को अराजकतावादी सिद्धांत के नाम से बोला जाता है। अराजकता का मतलब ये होता है अराजकता, जहां पर राज्य ना हो, जहां पर शासन ना हो, इस तरह का सिद्धांत। तो ये अराजकतावादी सिद्धांत क्या बोलता है, जैसा हम कई पीढ़ियों पहले जब देश में सरकारें नहीं होती थी, जब लोग जंगल में रहते थे, ठीक है ना, जिस तरह से आग का आविष्कार हुआ उस पीरियड में आप चले जाइए, तब सरकारें नहीं होती थी, पुलिस नहीं है, रोड नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, जंगल में इंसान रहता था और जो मिल गया उसको खा लिया, ठीक है ना। इधर से
जंगल का जो भी कुछ खाने पीने को मिला वो खा लिया, तो वो पीरियड क्या था, अराजकतावादी तरह का पीरियड था। तो कुछ ऐसे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो ये आज भी मानते हैं कि अराजकतावादी एक सिद्धांत है और ये सिद्धांत भी आज के दिन रिलेवेंट हो सकता है। वो क्या कहते हैं, वो व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इंडिपेंडेंस देने के चक्कर में है कि इंसान जो व्यक्ति को ज्यादा स्वतंत्रता दी जाए और राज्य के पास में कोई शक्ति ना हो, ये बात करता है अराजकतावादी। अब हम इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस में चलेंगे जहां पे व्यक्ति की स्वतंत्रता कम होती जाएगी और राज्य की शक्ति बढ़ती जाएगी, सिद्धांतों के बारे में बात करें। इसके बाद में व्यक्तिवादी सिद्धांत आता है, ठीक है ना। अराजकता तो ये बोलता है कि राज्य होना ही नहीं चाहिए, राज्य की आवश्यकता ही नहीं है, जबकि व्यक्तिवादी सिद्धांत बोलता है राज्य हो, राज्य रहे, शासन करे, लेकिन मिनिमम करे, व्यक्ति केंद्र बिंदु के रूप में हो, व्यक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, ठीक है ना। व्यक्ति को केंद्र में रख के बात करता है व्यक्तिवादी सिद्धांत, ठीक है ना। इसके बाद में उदारवादी सिद्धांत आता है, धीरे धीरे हम जैसे बढ़ते जा रहे हैं आगे, व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर अंकुश लगता जा रहा है, राज्य ताकतवर होता जा रहा है, राज्य की शक्तियों में इजाफा होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, राइट। उपयोगितावादी सिद्धांत क्या बोलता है कि व्यक्ति के प्रति उदार दृष्टिकोण होना चाहिए, उदारवादी, अभी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता है, धीरे धीरे कम हो रही है ना, व्यक्ति के प्रति उदार दृष्टिकोण हो, राज्य व्यक्ति के ऊपर कम से कम अंकुश लगाए, उसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर कम से कम, और व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों का ख्याल रखे, ये उदारवादी, लिबरलिज्म, ठीक है ना। लिबरलिज्म क्या कहता है, यहां पर भी व्यक्ति को केंद्र में रखा है, व्यक्ति के ऊपर कम से कम कंट्रोल हो राज्य का और स्वतंत्रता, व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता की बात करता है। सिमिलरली आपका उपयोगितावादी सिद्धांत है, इसके बाद में आदर्शवाद सिद्धांत है, फिर साम्यवाद का सिद्धांत है। साम्यवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि भाई समाज के अंदर सब लोग समान रूप से हो और लेकिन जो जितने भी उत्पादन के साधन है उनके ऊपर सरकार का नियंत्रण हो, सरकार सबको बांटकर समान समान रूप से दे, ये तो हो गया साम्यवादी। और फिर हम देखो अभी बढ़ते जा रहे हैं, अभी साम्यवादी के अंदर क्या हो गया, सरकार का नियंत्रण आ गया है, इसके बाद में तो और राज्य की शक्ति बढ़ती जाएगी। फासीवादी सिद्धांत है, फासिज्म जो बोलता है वो क्या कहता है, सरकार नाम मतलब व्यक्ति की इंडिपेंडेंस नाम की तो यहां पर कोई चीज ही नहीं है, फासिज्म में व्यक्ति की स्वतंत्रता की कोई बात ही नहीं है, सारे अधिकार सारी शक्तियां किसके पास है, सरकार के पास है, ठीक है ना। और अंतिम छोर पे मैंने बात किया था, अराजकतावादी सिद्धांत से शुरू करते हैं हम, जहां पे राज्य से ज्यादा ताकतवर व्यक्ति की स्वतंत्रता है, और लास्ट में हमने बात की अधिनायकवादी सिद्धांत, ठीक है ना। डिक्टेटरशिप, जिस देश के अंदर तानाशाह का शासन होता है वहां पे राज्य के पास में समस्त शक्तियां होती है, राज्य पूरा एकदम ताकतवर होता है और व्यक्ति जो है ना एकदम जेल जैसी काटता है, व्यक्ति के पास में कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि आज का ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में बस हम सब यही चर्चा करने वाले हैं इस बुक के अंदर। अगर आपने इस टॉपिक को समझ लिया ना, आज के टॉपिक को, तो आगे कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है, सब एकदम शताब्दी के जैसे चलने वाले हो। और अगर आज के वीडियो को आपने चाहे 5 बार देखना पड़े देखिए, तब जाके आपको आगे ये बुक समझ में आने वाली है, ये ध्यान रखना है। अब इस बुक के अंदर बेसिकली क्या होंगे हमारे पास में चैप्टर, यही सब होने वाला है। सामाजिक न्याय की बात करेंगे, ठीक है ना, समानता की बात करेंगे, स्वतंत्रता की बात करेंगे। तो हम बात इसी बारे में बात करेंगे, कहां तक समानता, कितनी स्वतंत्रता दी जा सकती है इंसान को, ठीक है ना। और बात होगी इसमें अधिकार के बारे में कि एक इंसान के कितने अधिकार होने चाहिए, कहां तक लक्ष्मण रेखा खींची जानी चाहिए इसके लिए। और फिर धर्म निरपेक्षता की भी बात करेंगे, यानी कि ये पूरा चैप्टर जो है
पहले वाले चैप्टर में, पहले वाली जो बुक में हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने सारे प्रोविजंस हैं उसके बारे में, और इस वाले में इसके अंदर हम बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत की, कि मतलब इसमें चर्चा बेसिकली होगी समानता की, स्वतंत्रता की, धर्मनिरपेक्षता की और अधिकारों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आज का आपका ये टॉपिक क्लियर है तो आगे फिर हम मुलाकात करेंगे लाइव क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।